गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने नर्स्ट इक्वेशन को समझा। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। लॉग यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसीज अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज, ये होता है। तो यहां पे हम अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन पता है तो उससे हम किसी भी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम कब आ जाता है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि मान लो ये कोई भी एक जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने ये कंसिडर किया था कि ए मोल्स ऑफ ए कंबाइन विद बी मोल्स ऑफ बी एंड दे गिव्स सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। जब यहां पे मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है ए एंड बी एंड सी एंड डी प्रोडक्ट है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है मान लो वो 100 है। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये 100 से सपोज करो 2 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट के 2 मोल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एट दिस टाइम जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है दैट बिकम कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आल्सो बिकम कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। अब यहां पे मैंने कांस्टेंट बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पे मान लो रिएक्टेंट्स के 100 मोल्स हैं तो प्रोडक्ट के भी 100 मोल्स हो, ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट्स के मान लो 50 मोल्स हैं, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आ गया यहां से मान लो रिएक्टेंट के 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो 100 से मान लो हम यूं कहेंगे कि 2 मोल कम हो गए, जी नहीं कम नहीं होंगे, जो प्रोडक्ट के 50 मोल थे उसमें से वापस से 2 मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्टेंट के आपके पास 100 मोल हैं और प्रोडक्ट के 50 मोल्स हैं तो दे विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हम डैनियल सेल की बात करेंगे। डैनियल सेल में व्हेन सर्किट इज क्लोज का मतलब क्या है कि आपने स्विच को ऑन कर दिया है, तो हमारी जो रिएक्शन होती है ये डैनियल सेल, जो हमारी डैनियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डैनियल सेल जो है उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है जिंक आयंस में और कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होते हैं कॉपर सॉलिड में। तो अब यहां पे इस इक्वेशन में हम एक जनरल ट्रेंड से समझते हैं कि मान लो ये रिएक्शन शुरू में हमने रिएक्टेंट लिया दिस वन, ठीक है, शुरू में हमारे पास इनिशियली प्रोडक्ट वाज 0, बट जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और यहां से क्योंकि कॉपर आयन हमारे पास रिएक्टेंट में है तो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारा वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज का रीडिंग आ रहा है वो भी जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रीडिंग ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब जो है रिएक्शन जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया वोल्टेज रीडिंग ड्रॉप हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड कॉपर आयन। अब क्या हो गया, अगर चेंज कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है जिंक आयन और ज्यादा नहीं बन रहे, तभी तो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। और ये बोल रहे हैं कि कॉपर आयन मतलब कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कॉपर आयन जो है और ये जो रिएक्शन है इसमें कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉपर आयन जो इधर कन्वर्ट हो रहा था अब हम ये मान के चलेंगे कि अब वो और ज्यादा कन्वर्ट नहीं होगा, और कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि मान लो कॉपर आयन कॉपर में जितना कॉपर में कन्वर्ट होगा उतना ही कॉपर से कॉपर आयन बदल जाएगा, सिमिलरली जितना जिंक से जिंक आयन बनेगा उतना ही जिंक आयन से जिंक बन जाएगा। जब ऐसे सिचुएशन आती है तो हम बोलते हैं इस इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है और एट दिस टाइम देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो अब हमारा जो वोल्ट मीटर है
उसकी रीडिंग हो जाती है जीरो. वोल्ट मीटर एट दिस टाइम गिव जीरो रीडिंग. अब हमारा वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया. और इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड इन दिस रिएक्शन. तो अब हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा ई सेल सेल पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया. तो ई सेल हमारा जीरो हो गया और ई सेल नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ई सेल किसके इक्वल होता है, ई नोट सेल माइनस 2.303 आरटी. यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो यहां पे हो गया 2f log हमारी जो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि यहां पे हमारा जो रिडक्शन है वो किसका हो रहा है, कॉपर का. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का. यहां पे आप देख सकते हो जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन एंड कॉपर आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल कॉपर. तो ये इक्वेशन आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गई होगी. अब क्योंकि ये वोल्ट टर्म जो है जीरो के इक्वल है तो हम ई नोट सेल को किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखिए ये वोल्ट टर्म आपका जीरो के इक्वल है तो ई नोट सेल हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को अगर हम इस साइड ले आए तो जीरो की तरफ लेके आएंगे तो जीरो प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी और जीरो प्लस मतलब आपका कुछ ऐड हो नहीं रहा है तो ई नोट सेल किसके इक्वल हो गया, ये वाली टर्म के इक्वल हो गया. तो आपका ई नोट सेल क्या हो गया, 2.303 आरटी अपॉन 2f log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. अब अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम में हमारा देखिए इधर आप शुरू में ये जो इक्वेशन देखेंगे तो प्रोडक्ट में आपके जिंक आयन है और रिएक्टेंट में आपके कॉपर आयन है और हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट हमारा जिंक आयन है, रिएक्टेंट हमारा कॉपर आयन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इक्वल. तो जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन ये हमारा हो गया Kc के इक्वल और Kc है यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम Kc वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर हम 298 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे वैल्यू निकालें ई नोट सेल का तो टेम्परेचर की जगह हमने लिखा है वैल्यू लिया है 298 केल्विन. आर हमारा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू हमने दिखाई थी कि आर जो है गैस कांस्टेंट है, ये है इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 96487 कूलम पर मोल. टेम्परेचर हम इस इक्वेशन में अपना कितना लेंगे, 298 केल्विन. तो अब हम ये सारी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 298 केल्विन, एफ की जगह वैल्यू पुट करेंगे 96500 कूलम. तो ये सारा जब हम सोल्व करते हैं तो यहां पे हमारे पास आ जाता है 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे केसी, लॉग केसी. और हमारा डेनियल सेल में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट. ई नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये वैल्यू है 1.1 वोल्ट. तो अब यहां पे देखिए आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, बाकी सारी चीजें गिवन है. ई नोट सेल वैल्यू आपको गिवन है 1.1 वोल्ट, टेम्परेचर गिवन है, आर एफ सब कांस्टेंट वैल्यू है, सब वैल्यू हमने पुट कर दी. तो लॉग केसी हमारा क्या आ गया 1.1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.0591 से, 0.059 से. तो अब यहां पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, लॉग केसी की वैल्यू है 37.288. जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाएगी एंड इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³⁷ एंड दिस इज अवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस डेनियल सेल एट टेम्परेचर 298 केल्विन. तो अगर हम इन जनरल बात करें तो इन जनरल हमारा जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग केसी. तो इस इक्वेशन से हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप मिल रहा है, ये तो केसी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और ई नोट क्या है, हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल. इन दो चीजों के बीच में रिलेशन मिल रहा है.
क्योंकि आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट, एफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट, जो भी रिएक्शन होगी उसमें एन की क्या वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, और जिस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे दैट वैल्यू वी विल पुट फॉर टेम्परेचर। तो हमारे पास ई नॉट सेल अगर गिवन है तो हम के सी निकाल सकते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी गिवन है तो हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। तो यहां से इस मेथड से जो नर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली है, नर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कोरस्पोंडिंग टू दी ई नॉट सेल वैल्यू ऑफ दैट सेल दैट रिएक्शन। तो ई नॉट सेल हमने बताया था कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में ई नॉट सेल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ई नॉट सेल वैल्यू निकालना आसान है। इफ वी नो ई नॉट सेल वैल्यू फॉर एनी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दी reactions involving in that cell we can calculate easily, otherwise it is difficult to measure। So इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।